dear parents and students. Now, your marigold book of the English and ES both combined. So, I think many students and the parents has the confusion, right? Which part of the ES and which part of the English? Okay? So, today I clear your confusion regarding the English and ES. So, please parents, this way you have to do in your workbook and textbook also. So, you don't confuse whichever is the English and whichever is the ES. आपको क्या करना है, आपकी मैरीगोल्ड की बुक है, वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक, तो दोनों के अंदर आपको मैं एक पीडीएफ भेज रही हूँ, वो पीडीएफ में आपको जो इंडेक्स है वो इंडेक्स के अंदर ऐसे ही आपको लिख देना है। देखिए पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि ये स्टैंडर्ड फर्स्ट का बुक है, राइट, मैरीगोल्ड, तो आपको क्या करना है, यूनिट वन में दो दिया है, अ हैप्पी चाइल्ड, थ्री लिटल पिग्स, तो यहाँ पे हमने किया है कि ईएस है, इंग्लिश है, राइट, वैसे ही यूनिट टू में एक्टर बात ईएस है, द बबल्स द स्ट्रो एंड द शूज वो इंग्लिश है, तो आपको क्या करना है, हम ऐसे आपको इंडेक्स देंगे और उसका पीडीएफ देंगे, तो आपको भी आपकी बुक के अंदर ऐसे पार्ट में लिख देना है कि कौन सा जो है ईएस है और कौन सा इंग्लिश है। यहाँ देखो, ये आपका वर्कबुक है, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट का है, देखा, आपको पता चलेगा, आप देखो आपका दो पार्ट है, तो आपको वैसे पता ही चल जाएगा कि पार्ट वन में दिवाली के पहले फर्स्ट सेमिस्टर, पार्ट टू जो है वो दिवाली के बाद होगा, ओके, लेकिन हम जो आपको पीडीएफ भेजेंगे वो दोनों के रिलेटेड होगा, तो यहाँ हमारा इंडेक्स है, पहली जो बुक थी वो कंबाइन थी, इसीलिए यहाँ इंडेक्स कंबाइन दिया है, तो हम ये आपको पीडीएफ भेजने वाले हैं, तो इस तरह से आपको ईएस, देखो मैंने रेड कलर से जो लिखा है वो सारा ईएस का है, राइट, और ये जो ब्लू कलर से लिखा है वो सारा इंग्लिश है, तो आपको भी आपकी बुक में ऐसे इंडेक्स में लिख देना है, इंडेक्स में लिख दोगे और आप यहाँ देखो हैप्पी चाइल्ड मैंने लिखा है, यहाँ ईएस भी लिखा है, देखा, तो आप ऐसे ही हर एक जो चैप्टर है उसमें आप उसके ऊपर लिख दोगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, फाइन, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर टू, न्यू चैप्टर आई एम लकी, राइट, सो एवरीवन फर्स्टली ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ द मैरीगोल्ड, राइट, ओके, एंड ओपन द पेज नंबर 20 एंड 21। नाउ व्हाट आई एम लकी, आई एम वेरी लकी, व्हाई आई एम लकी, वी विल सी इन दिस लेसन, ओके, हम क्यों लकी हैं, हम अपने आप को क्यों लकी मानते हैं, ये लेसन में हम पढ़ेंगे। इफ आई वेर अ बटरफ्लाई, अगर जो मैं बटरफ्लाई होता, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, अगर गॉड ने मुझे बटरफ्लाई बनाया होता तो मैं गॉड को थैंकफुल कहता, किसके लिए, मेरे विंग्स के लिए, ताकि मैं अच्छे से हर एक लीव्स एंड ट्री के ऊपर उड़ सकूं, प्लांट्स के ऊपर उड़ सकूं, तो मुझे बटरफ्लाई बनाया होता तो मैं गॉड का थैंकफुल होता और मुझे विंग्स देने के लिए, राइट, इफ आई वेर अ मैना इन अ ट्री, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सी, अगर मैं मैना होती या मैना होता तो मैं भगवान को थैंकफुल क्यों करता, क्योंकि मैं ट्री के ऊपर बैठ के बहुत अच्छे से गाना गा सकता हूँ, इसलिए गाना गाती हूँ इसलिए, राइट, इफ आई वेर अ फिश इन द सी, अगर मैं फिश होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं गॉड को थैंकफुल करती, दैट कैन रिगल एंड रिगल विद गिल, मेरे पास जो गिल दी है, यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज द गिल, गिल मीन्स द बॉडी ऑफ द फिश दैट हेल्प्स टू स्विम इन द सी, जो ये बॉडी है यहाँ पे जो गिल है, राइट, तो उससे मैं स्विम कर सकती सी में, इसीलिए मैं गॉड का बहुत आभारी हूँ, मैं थैंकफुल मानती हूँ गॉड का कि उसने मुझे गिल दिया, इसीलिए मैं सी के अंदर रिगल एंड रिगल करके मैं स्विम कर सकती हूँ।
सो आई जस्ट थैंकफुल आई एम लकी टू मी, मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ, नॉट यू बट मी, आप अकेले लकी नहीं हो, मैं भी लकी हूँ, इफ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एलिफेंट होता आई वुड बी थैंकफुल दैट कैन रेज माई ट्रंक, और मैं गॉड को थैंकफुल करता हूँ मैं अपनी सूंड जो ट्रंक है वो उठा पाता हूँ, इफ आई वर ए कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप, अगर मैं कंगारू होता देन आई हैव टू थैंकफुल टू हॉप बिकॉज ऑफ द वी आर आई एम हॉपिंग, मैं जंप लगा सकता हूँ राइट अप द मून, और इतना ऊंचे से जंप लगा सकता हूँ जैसे कि मैं मून के ऊपर पहुंच गया हूँ, इफ आई वर एन ऑक्टोपस अगर मैं ऑक्टोपस होता आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई एट आर्म्स, मैं मेरे एक आर्म्स के लिए गॉड को थैंक यू बोलता हूँ, सो जस्ट आई थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी, आप अकेले लकी नहीं हो मैं भी बहुत लकी हूँ, वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या आप भी मेरे बारे में सोचते हो मेरा जैसा सोचते हो, और जस्ट यू और सोचना ही चाहिए राइट क्योंकि गॉड ने, अगर इमेज करो कि गॉड ने हमको दो आईज नोज दो ईयर्स माउथ ऐसा सब नहीं दिया होता तो हम अपना कोई भी काम नहीं कर सकते, हैंड से हम लिख नहीं पाएंगे कुछ पकड़ नहीं पाएंगे राइट, लेग नहीं दिया होता तो हम चल नहीं पाते, कोई आपको ऐसा बोले कि चलो मैं आपको लैक्स रुपीस दे देता हूँ आप मुझे अपनी आईज निकाल के दे दो, दोगे स्टूडेंट दोगे, कोई देगा नहीं, नहीं मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए मुझे तो मेरी आंख चाहिए है ना, तो एवरी बॉडी पार्ट्स गिवन बाय द गॉड इज द वेरी प्रीशियस फॉर अस राइट, वो हमारे लिए बहुत कीमती है बहुत ही मूल्यवान है, ओके स्टूडेंट्स कैन यू अंडरस्टैंड राइट, ओके नाउ वी सी चूज द करेक्ट वर्ड, दिस इज द वर्कबुक एंड पेज नंबर 19, फर्स्ट नंबर द बटरफ्लाई इज थैंकफुल फॉर इट्स, बटरफ्लाई किसके लिए थैंकफुल है, आर्म्स आर्म्स के लिए, कलर्स कलर्स के लिए, आईज और विंग्स, तो बटरफ्लाई थैंकफुल है विंग्स के लिए राइट, सो वी हैव टू डू अंडरलाइन बिलो द विंग्स एंड आई हैव रिटन हियर विंग्स एंड द ऑप्शन इज द डी, ओके सेकंड नंबर द ब्लैंक्स इज थैंकफुल बिकॉज इट कैन सिंग, हु कैन सिंग एंड हु इज थैंकफुल टू द गॉड फॉर द सिंगिंग, कौन गॉड का थैंकफुल करता है, मैना राइट, इट इज द मैना, सो वी हैव टू डू अंडरलाइन बिलो द मैना एंड हियर वी हैव टू राइट द मैना एंड द ऑप्शन ए, ओके स्टूडेंट्स थर्ड नंबर द फिश कैन प्लैंक्स, व्हाट कैन द फिश डू, फिश कैन द व्रिगल राइट, इट इज द व्रिगल, सो वी हैव टू डू अंडरलाइन बिलो द व्रिगल एंड राइट हियर व्रिगल एंड ऑप्शन इज द सी राइट, ओके फोर्थ नंबर द एलिफेंट कैन रेज इट्स, व्हाट डज द एलिफेंट डू, व्हाट डज द एलिफेंट रेज, रेज इट्स टेल, वो अपनी टेल ऊपर करता है, ट्रंक लेग्स एंड ईयर्स, तो एलिफेंट रेज इट्स ट्रंक, सो वी हैव टू डू अंडरलाइन बिलो द ट्रंक एंड राइट हियर ट्रंक एंड ऑप्शन इज द बी, नाउ लुक एट चिल्ड्रन हियर, if in the examination you have given the this type of the blanks then and then only you have to do underline and write that spelling here and option is here, if fill in the blanks is not given then you don't write then and then you only you do the underline, okay five number the blanks would go up to the moon, which animal hope to the moon, it is the kangaroo, look at here kangaroo, so we have to do underline below the kangaroo and write here kangaroo and option is the D, okay students have you understand, third number the octopus has eight, what is the octopus has, arms eyes tail wing, then octopus has the arm, you see children octopus octopus
is a water animal, right? And octopus has the 8 arms. So we have to write here the A option. Okay. Now fill in the blanks. This one is your CW part, and you have to write in the HW also. Okay. And I send you the hard words also. You have to write the hard words. A butterfly can. Sorry. An elephant can. What does the elephant can? It raise its trunk. Right? Okay. A butterfly can. A butterfly can fly. Okay. Third number. A kangaroo can. Kangaroo can walk. A fish can wriggle. Beagle, and you can write beagle also, right? A mena can sing. Okay. Now this is your fill in the blanks, and children, you have to learn the hard words also, so you have easily read the lesson. Okay. Now bye bye.